एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 के बच्चों के लिए है और आज हमारा दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूंगी कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर के लेक्चर नंबर 1 देखो, बिकॉज वो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई भी लेक्चर स्किप करना, एक भी लेक्चर स्किप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इन केस आपका कोई लेक्चर गलती से या टाइम नहीं मिलने की वजह से स्किप हो जाता है तो जो प्रीवियस लेक्चर है पहले उसको जाकर के देखना एंड देन फिर न्यू जो लेक्चर अपलोड हुआ है उसको देखना, राइट। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस रिविजन करवा देती हूँ। लाइक लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल। हमने देखा था कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, राइट। और हमने देखा था कि एंटोन वॉन लीवेनहॉर्म जो थे वो लिविंग सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था। फिर हमने देखा था कि फ्लाइडन एंड श्वान जो दो साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे एंड दूसरे जोलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दिया था। बट जब इन्होंने सेल थ्योरी दिया था तो वो थ्योरी कंप्लीट थ्योरी नहीं था। आफ्टर दैट आर विर्को ने कंप्लीट थ्योरी दिया, दैट इज ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। उन्होंने कहा था कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। और स्लाइडन एंड श्वान ने कहा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ बेसिक यूनिट, दैट इज सेल। ये सारे थ्योरी को स्लाइडन एंड श्वान ने दिया था। सिर्फ स्लाइडन एंड श्वान ने ये नहीं बताया था कि सेल आखिर लाइक मल्टीप्लाई कैसे करता है, सेल आखिर रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा होता है। अगर हम रिप्रोड्यूस कहें या रिप्रोड्यूस से ज्यादा बेहतर है हम ये कहें कि सेल मल्टीप्लाई किस तरह से कर रहा होता है, तो स्लाइडन एंड श्वान ने इस बात बारे में नहीं बताया था। उसके बाद हमने बात किया था कि जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट फॉर वायरसेस। वायरसेस दे डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी, राइट। और इस वजह से मैंने बताया था कि वायरस को एक कनेक्टिंग लिंक रखा गया है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मैंने बात किया था कि चाहे वो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो द वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म लाइक कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, हर कोई अपना लाइफ को स्टार्ट सिंगल सेल से ही करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कितना ही छोटा ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं हो। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था लाइक वी ह्यूमन ऑल्सो स्टार्ट्स आवर लाइफ फ्रॉम अ वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर, फ्रॉम अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। और ये जाइगोट जो होता है वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम ट्रिलियंस ऑफ सेल वाले स्ट्रक्चर हमारा बन पाता है, राइट। तो हमने इतने सारे टॉपिक पे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। और एक बात मैं कहूंगी, चूंकि आज हमारा सेकेंड लेक्चर है तो उतने सारे मैं क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात है कि जैसे जैसे हम आगे लेक्चर में बढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक चूंकि ज्यादा कवर हो जाएगा, और जब टॉपिक ज्यादा कवर होगा तो मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगी। और इस वजह से मैं आपसे सबसे कह रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन लेक्चर के ड्यूरेशन में पूछा जाए वो सारे लेक्चर को प्लीज आंसर किया करो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोग इस लेक्चर में कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लाइक सेल शेप के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक सेल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक सेल साइज के बारे में बात करने वाले हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसपे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कहने का कि दुनिया में तो बहुत डाइवर्सिटी है, और बहुत डाइवर्सिटी है कहने का मतलब कि कोई भी एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से बहुत हद तक रिजेंबल नहीं करता, बहुत डिफरेंस है एक स्पीशीज और दूसरे स्पीशीज में, या एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एक क्वेश्चन आता है कि आप शायद दिमाग में आता होगा कि जब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, सेल से, तो फिर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कैसे हो गई है? इतनी डाइवर्सिटी तो नहीं होनी चाहिए। लाइक सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही स्ट्रक्चर से जब बने हुए हैं, सेल से जब बने हुए हैं, तो डाइवर्सिटी तो नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि घर जो होता है, लाइक कोई सा भी घर बन रहा होता है, तो सबका बेसिक यूनिट क्या होता है?
सब सारा घर का बेसिक यूनिट, चाहे वो कितना बड़ा बिल्डिंग क्यों नहीं हो, चाहे वो कितना बड़ा इंडस्ट्री क्यों नहीं हो, चाहे वो कितना बड़ा फैक्ट्री क्यों नहीं हो, चाहे वो बंगला क्यों नहीं हो या जो भी हो, सबका जो बेसिक यूनिट होता है वो बेसिक यूनिट क्या होता है? ब्रिक होता है। कोई सा भी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, कोई घर के बारे में अगर हम बात करें, तो सबका बेसिक यूनिट क्या है? एक ब्रिक। अब बात आती है तो फिर जब ईंट से ही सब बने हुए होते हैं तो फिर इतनी ज्यादा फर्क क्यों है? कोई इतना बड़ा कैसे हो जाता है, कोई इतना कम छोटा कैसा होता है, कोई बहुत सुंदर दिखने में लगता है तो कोई बस एक काम चलाओ सा घर क्यों होता है? तो बात आती है यहाँ पे अरेंजमेंट की, कोई ब्रिक कैसे अरेंज हुआ हुआ है। बात आती है साइज पे अगर हम देखें तो किसमें कितना ज्यादा ब्रिक है, जिसमें जितना ज्यादा ब्रिक होगा वो उतना ज्यादा बड़ा होगा, जिसमें जितना कम ब्रिक होगा वो उतना छोटा होगा, है ना? सबका बेसिक यूनिट ब्रिक ही है, लेकिन बावजूद उसके हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक घर दूसरे घर से बहुत डिफर कर रहा होता है। तो यहाँ पे आया ना बात कि अरेंजमेंट जो होता है वो ब्रिक का वो डिफर कर रहा होता है ना, नंबर जो होता है ब्रिक का वो बहुत डिफर कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि सेल में जो डाइवर्सिटी आखिर ऑर्गेनिज्म में इतनी क्यों आती है, तो वो डाइवर्सिटी का रीजन होता है सेल का शेप, वो डाइवर्सिटी का रीजन होता है सेल का नंबर, वो डाइवर्सिटी का रीजन होता है सेल का साइज, राइट? ये सारी बातें होती है, तो ये सारी चीज को हम लोग देखना है। अब एक बात देखो, मैंने कहा कि जो सेल्स होते हैं वो माइन्यूट सा स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत ही नॉट विजिबल टू आवर आईज, ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है। क्या सारे सेल वैसे ही होते हैं, माइन्यूट से स्ट्रक्चर के होते हैं? तो जब मैं बात कर रही हूँ कि दुनिया में बहुत डाइवर्सिटी है, तो एक और बात बता दूं कि दुनिया में सेल के साइज की भी बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ सेल बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, जिसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, और कुछ सेल जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसको जो हम अपने नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वो एक ऑस्ट्रिच का एग होता है, हालांकि वो भी एक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर ही है, बावजूद उसके उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, राइट? और एक अगर हम आरबीसी के बारे में बात कर लें, अगर हम माइकोप्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें, तो या बैक्टीरिया के बारे में बात कर लें, तो ये सब भी यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर ही है, बावजूद उसके हमें क्या करना पड़ता है, देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। यानी यहां से एक बात तो हमें समझ में आ गया कि सेल का जो होता है साइज और सेल का जो शेप वो बहुत ही वैरी कर रहा होता है ना। और एक बात और, सेल का अगर हम साइज पे तो मैंने भी बात किया, ऑस्ट्रिच एग का एक एग्जांपल लिया और एक मैंने आरबीसी का एग्जांपल लिया और मैंने एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया, तीनों को मैंने बता दिया कि तीनों तीन जगह पाया जाता, बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर और ऑस्ट्रिच का एग जो है वो एक प्रकार का एक बर्ड है और बर्ड का एक सेल है ना। ह्यूमन आरबीसी अगर या कोई सा भी आरबीसी देख ले, वो बहुत ही माइन्यूट सा स्ट्रक्चर है सबके सब सेल, लेकिन उनका शेप, उनका साइज, नॉट शेप, उनका साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा वैरी कर रहा होता है, ठीक है? तो यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा आता है सेल का साइज। अभी मैंने कहा कि सेल माइन्यूट भी होता है, सेल बड़ा भी होता है, राइट? तो अगर हम सेल के साइज के बारे में बात करें तो कितना बड़ा हो सकता है? तो अगर हम एक बात करें, हमारे बॉडी में नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, है ना, पढ़े हो ना, हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं इनका काम क्या है? मैसेज को कंडक्ट करना, ये तो पता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं, नर्व सेल्स जो होते हैं, उनका काम क्या है? मैसेज को कंडक्ट करना। अब इनका काम है मैसेज को कंडक्ट करना, तो हम क्या चाहेंगे? कोई भी मैसेज जल्द से जल्द बॉडी में पहुंचे, है ना, हम यही ना चाहते हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे हाथ में कांटा चुभ जाए एंड देन 5 मिनट के बाद मुझे रियलाइज हो कि मेरे हाथ में कांटा चुभ गया एंड देन फिर मैं वहां से हटाऊं, तब तक तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। तो हम या कोई भी इंसान क्या चाहेगा, उसके बॉडी में बहुत क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो क्विक रिस्पॉन्स होने के लिए क्या जरूरी है? क्विक रिस्पॉन्स होने के लिए जरूरी है कि वो जो नर्व सेल है वो ज्यादा लंबा हो, ताकि जल्दी 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 मैसेज का ट्रांसमिशन हो जाए। तो इसकी वजह से जो हमारा न्यूरॉन होता है, जो हमारा नर्व सेल होता है, वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है, बहुत लंबा होता है, और लंबा होने की वजह से मैसेज का कंडक्शन बहुत ही फास्ट होता है। शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि लंबा होने से कैसे,
है ना, क्वेश्चन क्वेरी आ रहा होगा, क्या फायदा लंबा होने से, छोटा होगा तो भी वो मैसेज को कंडक्शन कर सकता है, बड़ा होगा तो भी मैसेज कंडक्शन करेगा, बट हाउ लॉन्ग न्यूरॉन हेल्प इन फास्ट कंडक्शन। तो इस बात को मैं थोड़ी देर के बाद क्लेरिफाई करती हूँ कि किस प्रकार से मैसेज का कंडक्शन हो रहा होता है। अभी बस इतना समझो कि जितना लॉन्ग न्यूरॉन होगा उतना ज्यादा मैसेज का कंडक्शन होता है। यानी यहाँ तक हमें तीन कंक्लूजन मिला कि कुछ सेल जो होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, लाइक आरबीसी, लाइक पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा जिसको कहते हैं, लाइक बैक्टीरिया, और कुछ सेल बहुत बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, लाइक ऑस्ट्रिच एग, और कुछ सेल बहुत लंबे होते हैं लाइक न्यूरॉन नर्व सेल, है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूंगी कि थोड़ा सा हेडिंग डालो, हाथ पेन चलाओ और लिखो सेल साइज। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज सेल साइज। चलो सो राइट डाउन अबाउट सेल साइज। एक और चीज इस सेल साइज को बताने से पहले, जो आप लोग अगर अभी तो नहीं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो टिश्यू, है ना, तो वहां पे बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सेल के बारे में। जो सेल का शेप है वो टिश्यू चैप्टर में बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आप बात कर रहे हैं सेल के शेप के बारे में। थोड़ा सा मैं बता दूं, लाइक देखो अगर हम बात करें लाइक हमारे स्किन के बारे में, है ना, तो यहाँ पे के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही चपटे चपटे होते हैं, बहुत चपटे चपटे होते हैं, है ना, बहुत चपटे चपटे से होते हैं। तो हमने कहा कि सम सेल्स आर फ्लैट इन साइज, राइट। कुछ सेल्स जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। अगर हम बात करें ये लंबे सेल कहाँ पे होते हैं, एक तो हमने लॉन्गेस्ट न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, बट और अगर हम लंबे सेल के बारे में बात करेंगे तो हम प्लांट सेल में देखेंगे कि बहुत सारे सेल्स लंबे लंबे होते हैं। कुछ सेल्स के बारे में देखेंगे जब हम प्लांट लाइक टिश्यू के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कुछ सेल्स जो होते हैं वो पॉलीगोनल इन साइज शेप होते हैं, ना। तो कहने का मतलब है कि जो सेल का शेप होता है वो बहुत वैरी करता है। कुछ जो होते हैं वो चपटे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो लंबे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पॉलीगोनल शेप के होते हैं, है ना, कुछ गोल गोल से होते हैं। तो सेल का जो साइज शेप है दैट वैरी। So write down cell shape. The shape of cell may be spherical, oval, polygonal, etc. कर दो। मैंने बताया ना बहुत शेप होता है सेल का, अलग अलग सेल अलग अलग। और अगर आपको थोड़ा सा एफर्ट करो प्लीज, अगर एस चांद की बुक है या कोई सी भी बुक है, आई एम नॉट किसी एक पर्टिकुलर पब्लिशर के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कोई सा भी बुक है अगर उसमें सेल का चैप्टर खोल के देखना और वहां पे देखना सेल शेप में बहुत सारे शेप के सेल्स होंगे प्रेजेंट, है ना, तो उसको थोड़ा सा देख लेना तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, राइट। So write down the shape of cell may be spherical, oval, polygonal or flat plate like. मैंने एग्जाम्पल बताया फ्लैट प्लेट लाइट कहाँ पे मिलेगा, प्लेट लाइक कहाँ पे मिलेगा। अब बात आती है कि क्यों इतना वेरिएशन है शेप में या क्यों इतना वेरिएशन है साइज में। तो एक बात ध्यान रखना कि शेप हो या साइज हो ये डिपेंड करता है कि किस सेल को क्या काम मिला है। अब जिस सेल को जो काम मिलेगा वो सेल अपने आप को उसी प्रकार से मॉडिफाई कर लेता है और मॉडिफाई करके अपना शेप को चेंज कर लेता है। शुरू में तो सबके सब बिल्कुल नॉर्मल से स्ट्रक्चर के होते हैं, बट अगर हम बात करें कि मैच्योरिटी हो जाता है या फिर एक मैच्योरिटी ही कहूंगी, जब उसको समझ में आ जाता है कि मुझे ये फंक्शन मिला है, तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो अपना शेप को चेंज कर लेते हैं, राइट। समझ में आ रहा है ना, तो वही बात कह रही है कि आखिर किस सेल का काम क्या है, डिपेंडिंग अपॉन दैट क्राइटेरिया कोई भी सेल का शेप या कोई भी सेल का साइज डिटरमाइन कर रहा होता है, राइट। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, द शेप ऑफ द सेल, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। The shape of the cell is determined by the specific function of the cell. उस सेल को क्या काम मिला है उसके बेसिस पे उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब मैं बात कर रही थी कि आखिर नर्व सेल का साइज इतना लंबा क्यों होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेल का शेप में एक पॉइंट और ऐड कर लो, राइट, नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लो, इसके बाद मैं नर्व सेल के बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट मे बी लॉन्ग इलोंगेटेड थ्रेड लाइक एज नर्व सेल। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया, लास्ट पॉइंट, इट मे बी लॉन्ग इलोंगेटेड थ्रेड लाइक एज द नर्व सेल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैंने बताया कि आखिर नर्व सेल इतना लॉन्ग क्यों होता है। ये क्वेश्चन है कि व्हाई न्यूरॉन इज लॉन्गेस्ट इन शेप, इन साइज। चलो देखो, अगर मैं बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाऊं न्यूरॉन के बारे में, कुछ इस प्रकार का होता है न्यूरॉन। नर्व सेल के बारे में अगर मैं बात करूं, दिस इज द टर्मिनल एंड ये जो होता है हमारा, कुछ इस प्रकार का हमारा नर्व सेल हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बता दूं, थोड़ा सा माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, राइट, तो यहाँ पे ये है हमारा न्यूक्लियस, ये वाला बेसिकली ये वाला जो पोजीशन होता है, दिस इज नोन एज डेंड्राइट्स। ये है हमारा न्यूक्लियस और ये वाला जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और ये वाले पोजीशन को हम कहते हैं एक्सॉन, राइट। जो मैसेज होता है ना, वो जनरली पढ़ेंगे जब इसको टिश्यू में पढ़ेंगे, तो एक बात समझो, जितना लंबा होगा ना वो मैसेज, उतना मैसेज जनरली जंप करके जाता है, ठीक है, वो उतना कूद कूद के जाएगा। तो जितना लंबा होगा उसको ज्यादा कूदने में आसानी होगा, छोटा छोटा होगा तो बैरियर ज्यादा लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से मैसेज को कंडक्ट करने के लिए, देख लो एक बार फिर से, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, दिस पोजीशन इज नोन एज एक्सॉन और ये वाला जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी या साइटोन, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज जनरली दो प्रकार से कंडक्ट होता है, जब टिश्यू पढ़ेंगे फिर मैं बता रही हूँ तब वहां पढ़ेंगे, एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड। तो एक है जो माइलिनेटेड, उसमें मैसेज जनरली जंप कर करके जा रहा होता है, कूद कूद के, तो उससे क्या होता है ना, मैसेज को इजी होता है कंडक्ट करने में, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो इसी वजह से जो नर्व सेल होते हैं उसको लंबा बनाया गया है ताकि कूदने में थोड़ी सी आसानी हो, है ना, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इसी वजह से न्यूरॉन जो होते हैं वो लॉन्ग इन साइज होता है। अब दूसरा आता है आरबीसी के बारे में, अगर हम एग्जांपल देखें, आरबीसी जो होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट से स्ट्रक्चर होते हैं। वो माइन्यूट स्ट्रक्चर क्यों होते हैं, क्योंकि आरबीसी को बहुत ही पतले पतले से कैपिलरीज में एंटर करना होता है। अब अगर वो बहुत ही बड़ा इन साइज होगा तो वो बहुत पतले पतले कैपिलरीज के अंदर एंटर तो नहीं कर पाएगा, इस वजह से आरबीसी को बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया गया, बहुत ही माइन्यूट सा स्ट्रक्चर उसके अंदर। इवन दो मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसका फंक्शन वैसा है जिसका मैंने अभी बताया, जिसका जैसा काम उसका वैसा ही स्ट्रक्चर हो जाता है, उसका वैसा ही शेप हो जाता है। जब शुरू में आरबीसी के बारे में अगर हम देखेंगे तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, जब तक उसके पास जिम्मेदारी नहीं है, जब तक उसको कोई तरह का काम नहीं दिया गया है, तब तक आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है, जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अच्छा मुझे ये काम करना है, तो उसका न्यूक्लियस को खत्म कर दिया जाता है, न्यूक्लियस उसका खत्म हो जाता है। अब पूरा का पूरा आरबीसी सिर्फ जो काम है उसका वो काम करता है, और साइज उसका बहुत ही छोटा होता है ताकि वो बहुत ही माइन्यूट से कैपिलरी के अंदर एंटर करके उसका जो काम है वो आराम से काम को कर सके। क्लियर हुआ है अदर पॉइंट। सो नर्व सेल के बारे में समझ में आ गया कि नर्व सेल बहुत लॉन्गेस्ट क्यों होता है, क्योंकि मैसेज को कंडक्ट करने के लिए लंबा जितना होगा उतना फास्ट मैसेज कंडक्ट होगा, है ना। और आरबीसी छोटा इसलिए होता है क्योंकि उसको बहुत ही पतले पतले कैपिलरीज के अंदर इंटर करना होता है, अगर वो बड़ा होगा तो फिर मुश्किल होगा कैपिलरी के अंदर इंटर करने में। सो राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल साइज। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल साइज। पहला सेल शेप हो गया, दूसरा लिखो सेल साइज। सो राइट डाउन,
द साइज ऑफ द सेल कैन बी एक्सट्रीमली स्मॉल। अभी मैंने बताया कुछ सेल बहुत, ऑस्ट्रिच का मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया जो कि बहुत ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा एक होता है जिसको हम PPLO भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का प्रोक्रियोटिक है। क्या है अभी नहीं अगर समझ में आ रहा तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर याद रखो माइकोप्लाज्मा, MYCOPLASMA, राइट, माइकोप्लाज्मा जिसको हम कहते हैं PPLO। अच्छा चलो मैं आपको एक काम देती हूँ, PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा मेहनत करो और मुझे बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO। और हाँ प्लीज अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो प्लीज उसको एक्टिव होकर के जवाब देना। तो चलो लिखो, सेल साइज में द साइज ऑफ द सेल कैन बी एक्सट्रीमली स्मॉल लाइक, मैं इसको एरेज कर रही हूं, लाइक माइकोप्लाज्मा सेल। इसका साइज अप्रॉक्स 0.1 म्यू होता है, मतलब 0.1 × 10⁻⁶ मीटर। दिस इज द साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा। आप सोच सकते हो 10⁻⁶ है, कितना ज्यादा छोटा ये स्ट्रक्चर है, कितना ज्यादा ये छोटा सेल है। क्या पॉसिबल है हमें नेकेड आई से इसको देखने के लिए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, राइट। चलो सो लिख लिए, द साइज ऑफ द सेल कैन बी एक्सट्रीमली स्मॉल लाइक माइकोप्लाज्मा सेल और कैन बी लार्ज लाइक ऑस्ट्रिच सेल और आपको मैं बता दूं व्हाट इज द अप्रॉक्स साइज ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग सेल। इसका अप्रॉक्स होता है 150 मिलीमीटर, मतलब 150 × 10⁻³ मीटर। अब आप साइज में देख सकते हो एक जो है वो 10⁻⁶ मीटर हो रहा है, मतलब अगर हम देखें 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ और दूसरा जो हो रहा है अगर इसको मैं देख लूं 1.50 × 10⁻⁶ मीटर, अप्रॉक्स यही ना आएगा, राइट। तो इतना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है सेल के शेप में, सेल के साइज में, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखोगे, लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। इट इज अराउंड 1 मीटर इन लेंथ, उसका क्या साइटोन वाला पोजिशन लंबा होता है, जो मैंने अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था कि दिस इज द स्ट्रक्चर, तो क्या इसका साइटोन वाला पोजिशन इतना ज्यादा बड़ा हो रहा है? नहीं, इसका एक्सोन वाला पोजिशन बहुत लंबा लंबा सा होता है ताकि मैसेज का कंडक्शन तेजी से हो सके। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल, इट इज अप्रॉक्स 1 मीटर इन लेंथ। क्लियर हो गया यहाँ तक? हमने तीन के बारे में बात किया, माइकोप्लाज्मा के बारे में बात किया, ऑस्ट्रिच एग के बारे में बात किया, आरबीसी के भी बारे में बात किया कि वो भी बहुत माइन्यूट सा होता है, लेकिन हाँ माइकोप्लाज्मा के कंपैरिजन बड़ा होता है, ठीक है। और हमने फिर लॉन्गेस्ट सेल के बारे में भी बात किया, नर्व सेल के बारे में बात किया। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, सेल नंबर। यहां तक तो कोई क्लियर नहीं है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज कमेंट में लिख दो ताकि मैं उसको बाद में क्लियर कर दूं। चलो नेक्स्ट लिखो, सेल नंबर। ये आप लोगों को थोड़ी सी आसानी होगी समझने में। सेल नंबर, सेल नंबर क्या होता है? मतलब सेल नंबर मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल कितना है। अब चूंकि मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक वेरी सिंपल सा स्ट्रक्चर, वेरी माइन्यूट सा स्ट्रक्चर बनता है ना, से बन रहा होता है। मैंने बताया कुछ जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो रहे होते हैं, उनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और कुछ जो होते हैं वो इतने बड़े, क्या हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी? अगर मैं कहूँ किसी ह्यूमन बीइंग को देखना है तो क्या माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं अपने आंखों से। तो वजह क्या है? एक वो भी सेल से बना हुआ है और हम भी सेल से बने हुए, तो यहाँ पे वजह आता है सेल का नंबर। सेल का नंबर कितना है? अगर सेल का नंबर एक, मतलब यूनिसेल्यूलर। अगर सेल का नंबर एक से ज्यादा, मतलब मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मने ज्यादा, यूनि मने एक।
अगर एक सेल मतलब यूनिसेल्यूलर, अगर एक से ज्यादा सेल मतलब मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो यहाँ पे बात आता है कोई ऑर्गेनिज्म कितना जायंट है, ये डिपेंड करता है कि सेल का नंबर क्या है। हाँ, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि मैम दिस इज द एक्सेप्शन, बट मैं एक जनरल वाली बात कर रही हूँ, तो जनरल क्राइटेरिया पे बात कर रही हूँ। सो राइट डाउन द नंबर ऑफ सेल वैरीज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर में लिखना सेल नंबर। द नंबर ऑफ सेल्स वैरीज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, इट कैन बी सिंगल सेल, इट कैन बी सिंगल सेल लाइक, और सिंगल सेल वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं लाइक यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल को हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं, और कैन बी मोर देन वन सेल, और कैन बी मोर देन वन सेल। और जब सेल का नंबर एक से ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर। उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। एक यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सब लोग प्लीज लिख के लेकर के आना। लिख के लेकर के आना मतलब एफर्ट ये करना, जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसको कॉपी में नोट करना, और नोट करने के साथ साथ उसको कॉपी में ही वहीं पे आंसर लिख लेना। अगर बन जाए तो भी मुझे कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे बता देना कि मुझसे बन गया, और अगर नहीं बना तो भी बताना कि मुझसे नहीं बना, ताकि जिन भी बच्चे से नहीं बने मैं उनको खुद से लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो खींच के दे दूंगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं वो आसानी से लिख लेंगे। सो यू ऑल हैव वन क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज सेल इज कॉल्ड, क्वेश्चन सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है difference between unicellular and multicellular organism। ये आपको दो क्वेश्चन मैंने दिया है, और दोनों क्वेश्चन मैं सारे बच्चों की कॉपी में देखूंगी। जब भी लॉकडाउन खत्म होगा और जब भी हमें मिलने का मौका मिलेगा, मैं आप लोगों की कॉपी में सारे क्वेश्चंस को देखूंगी जितना भी मैंने दिया है, राइट। यहां तक क्लियर हो जाता है। अब एक बात आती है, एक क्वेश्चन है, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, पॉज करो और नोट करो। चलो अब एक क्वेश्चन है कि हमने सुना पढ़ा आर विरको ने क्या कहा, एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। आर विरको ने ये कहा ना, एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आखिर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब, ये मतलब क्या है प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर सेल डिवाइड ही क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन कि सेल को डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है, व्हाई सेल डिवाइड। देखो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और लिखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो कोई भी सेल है, एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब सेल के अंदर क्या हो रहा होता है, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और सेल जो होता है वो अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट को कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है। सेल जो होता है वो अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट ले रहा होता है। और एक बात, जितना ज्यादा सेल को न्यूट्रिएंट मिलेगा, सेल क्या होगा, उतनी ही ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। सेल को जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा, सेल उतना ही ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। और सेल
जितना ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा उसका साइज क्या होगा, बढ़ने लगेगा, है ना। अगर मैं बात करूं एक सेल यहाँ इतना बड़ा, इसको न्यूट्रिएंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, सेल जो होगा सेल का साइज बड़ा होगा, सेल का साइज बड़ा होते चला जाएगा। और एक बात मैं बताऊं कि सेल जितना ज्यादा एक्टिव काम करेगा कब, जब वो बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है। एक टर्म है सरफेस वॉल्यूम रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ये टर्म है सरफेस वॉल्यूम रेशियो, मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा सेल का होगा सेल उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट अंदर ले पाएगा, और सेल जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट अंदर ले पाएगा वो उतनी ही तेजी से ग्रो कर पाएगा। अब सेल जैसे जैसे ग्रो कर रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और सरफेस एरिया कम हो रहा है। अब जब सरफेस एरिया कम होते जाएगा तो न्यूट्रिएंट उसके अंदर कम जाएगा, और जब सेल न्यूट्रिएंट सेल के अंदर कम जाएगा तो सेल का चांस होता है कि वो डाई कर जाए, वो मर जाए। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करता है सेल, जैसे ही एक एप्रोप्रिएट साइज तक पहुंचता है वो डिवाइड होकर के दो बन जाता है और फिर से उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है। और फिर जब सेल का वॉल्यूम बढ़ने लगता है एक एप्रोप्रिएट साइज तक बढ़ जाता है, फिर सेल डिवाइड कर जाता है। मतलब कहने का, सेल डिवाइड इसलिए करता है ताकि उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो हमेशा ज्यादा रहे, और जितना ज्यादा सरफेस वॉल्यूम रेशियो रहेगा उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट उसके अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर ये सेल डिवाइड वाला टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।